हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको एक्सरसाइज 4.1 में चौथा क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। पहले यहाँ पे हमको मॉड ए निकालना है, मॉड ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे, तो जब मॉड ए निकालेंगे तो पहले हम लोग 1 लिखेंगे कॉलम और ये पंक्ति कैंसिल करेंगे। इसके अलावा जो शेष बचेगा उसको हम नोट कर लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर। इसके बाद 1 प्लस में रहेगा और उसके बाद माइनस चिन्ह, 0 है, 0 लिख लेंगे। उसके बाद ये कॉलम और ये पंक्ति नहीं रहेगी, शेष जो बचे एलिमेंट 0 2 0 4। उसके बाद प्लस 1 लिखेंगे, इसके बाद फिर साढ़े के अंदर कॉलम और पंक्ति दोनों नहीं रहेगा। उसके बाद जो शेष बचा उसको लिखेंगे एलिमेंट 0 1 और 0 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस चिन्ह लगेगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा माइनस, और 0 से जब इसे पूरा सारणी पूरे सारणी को हम गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। और आगे प्लस 1 लिखा हुआ है तो 1 से यहाँ पे सारणी को हल करेंगे, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, फिर माइनस चिन्ह लगेगा, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये आपका मॉड ए निकल आया है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3a है, 3a का मॉड, तो पहले हम 3a निकाल लेते हैं। तो 3 और मैट्रिक्स ए में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे 3 से 1 में 3 हो जाएगा, और 3 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 से 1 में करेंगे 3। 3 को 0 में सब में सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 0 जा 3 0 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से 3a निकल आया। अब 3a का मॉड निकालना है, तो मॉड निकाल लीजिए, 3a का मॉड निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं। फिर उसी प्रकार से 3 को लिखेंगे, फिर साड़ी का निशान बनाएंगे, तो ये कॉलम और ये पंक्ति नहीं रहेगा, शेष जो बचा है उसको लिख लेंगे एलिमेंट 0 और 12। उसके बाद माइनस चिन्ह लगेगा, 0 लिखेंगे, उसके बाद जो शेष एलिमेंट बचे हैं कॉलम पंक्ति नहीं रहेगा, उसके बाद जो शेष बचा है उसको लिखिए 0 6 0 12। इसके बाद प्लस चिन्ह लगाइए, 3 लिखिए, अब ये कॉलम और पंक्ति नहीं रहेगा, उसके बाद जो शेष बचा है उसको लिखिए। इसके बाद सॉल्व करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 36, माइनस 6 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस 3 इसको 0 से 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे 0, माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा, और 3 से जब 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल 3 और 36 बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 6 जा हो जाएगा 18, और कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10, इतना आ गया। तो LHS में आ गया 108। तो राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 27 मॉड ए। तो 27 मॉड ए का मान यहाँ पे निकाला जा चुका है 4,
तो फोर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, फोर से बन जाए 28, 8 हो जाएगा और कैरी 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है और यहाँ पर लिख दीजिए LHS। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।